गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के सम के सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसमें हमको दिया है फाइंड एन इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लिकेशन। जो फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए ए पार्ट्स के, इसको हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है बाय मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, तो इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है। तो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, जो अपना न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर, बाय टू से। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो का मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो टू का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/7। तो जो न्यूमरेटर में टू का मल्टीप्लाई कराएंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना स्टूडेंट, तुझे आ जाएगा 10/14। तुझे हमारा आंसर आ जाएगा 10/14। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ कितना, फ्रैक्शन ऑफ 5/7। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा 10/14 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7 का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 10/14। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन करेंगे 1/8। 1/8 का हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/8 का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर में उसमें मल्टीप्लाई कराना है, और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/8, वाई कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा 1/8 मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितने का, 2 का, तो आंसर आ जाएगा 2/16। ओके स्टूडेंट, तो हमारा इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएगा, 1/8 का इक्विवेलेंट 2/16 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से ए पार्ट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट, बी पार्ट्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द डिवाइड डिवीजन मेथड से इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इनका HCF निकाल लेंगे, जो 20 का है, 20 का फैक्टर क्या होगा, 20F का 4/5, और 28 का फैक्टर क्या होंगे, 28 का 4/7। तो इसमें हम HCF निकालेंगे तो HCF हमारा कितना आएगा, 4। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। ओके स्टूडेंट, 4, तो 4 का डिवाइड हम इन दोनों में दे देंगे, तो इसमें 4 का डिवाइड देंगे 20 में डिवाइडेड बाय 4, और ये अपना डिनोमिनेटर है 28 में भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो जब इसका डिवाइड देंगे तो 4 से ये जाएगा 5 टाइम, और इसका डिवाइड देंगे ये जाएगा 7 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा क्या, 5/7, तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट का, इसे हमको डिवीजन द्वारा इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले 35 का भी हम फैक्टर करेंगे, 5/7 होगा, और 40 का भी फैक्टर होगा 5/8। ओके स्टूडेंट, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो 5 का HCF आ गया है। तो इसमें जो इक्वेशन दी गई है, इसमें हम 5 से दोनों को डिवाइड दे देंगे, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड देंगे। तो 35 का डिवाइड देंगे किसमें, 5 से, और यहाँ 45 में भी डिवाइड देंगे 5 से। ओके स्टूडेंट, तो 5 से 35 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, और 5 से 40 जाएगा 8 टाइम। तो जो हमारा इक्विवेलेंट आ गया 7/8। ओके स्टूडेंट, तो 30/40 का इक्विवेलेंट 7/8 होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का थर्ड पार्ट, इसके में हमारे 16/20 का इक्विवेलेंट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम 16 का फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, 4/4। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से 20 का फैक्टर भी 4/5, तो इसका HCF ले लेंगे, HCF क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो।
तो हमारा एस सी एफ आ गया 4। तो अब हमारा इसमें जो नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, तो इसमें हम कितने का 4 से इसका डिवाइड देंगे। तो नॉमिनेटर में नॉमिनेटर 16 डिवाइडेड बाय 4, और जो डिनोमिनेटर है 20, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड देंगे 4 का। जब 4 का इससे डिवाइड देंगे कितने टाइम आएगा, 4 टाइम। इसी तरीके 4 का 20 में डिवाइड देगा, आंसर आएगा 5 टाइम। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 16 बाई 20 का इक्विवेलेंट 4 बाई 5 होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमको इसी तरीके से 7.2 के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट।